हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं अपने गर्मियों के जो मैंने बीज लिए थे उनको लगाने वाला हूं। और मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था और मैंने उसमें दिखाया था कि मैंने कौन कौन से इस बार समर फ्लावर के सीड्स को लिया है और कहां से लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखिए और उसमें देखिए कि मैंने कौन कौन से सीड्स को। अगर आप भी अपने घर पर समर फ्लावर की सीडलिंग्स को करना चाहते हैं तो आप इस टाइम पर लगा सकते हैं, जो आपका फरवरी का फर्स्ट वीक होता है। आप फरवरी के फर्स्ट वीक से लेकर आप 15 मार्च तक अपनी समर फ्लावर की सीडलिंग्स को कर सकते हैं। कि ये जो टाइम पीरियड होता है आपका फरवरी फर्स्ट वीक से लेकर 15 मार्च तक, ये आपका एक बेस्ट टाइम होता है सीडलिंग्स के लिए। अगर आप इससे लेट सीडलिंग करेंगे तो फिर आपको फ्लावर्स भी लेट मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने घर पर इजीली समर फ्लावर की सीडलिंग्स को कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियोज़ की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा सीनेरिया, इसको मैंने खुद सीड से ग्रो किया था और अब इसमें आप फ्लावरिंग देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें फ्लावरिंग हुई है। तो ऐसे ही आज हम अपने समर फ्लावर की सीड्स को भी लगाएंगे और आने वाले टाइम में हमारे जो समर फ्लावर की सीड्स हैं उन पे भी इस तरह से ब्लूमिंग होगी। फ्रेंड्स, सीड्स लगाने से पहले आपको एक दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो भी आप सीड्स लें वो आपकी अच्छी क्वालिटी के सीड्स हों, क्योंकि मैंने देखा है कि कई लोग सीड्स लगा देते हैं बट उनके जर्मिनेट नहीं होते और फिर वो कहते हैं कि हमने सीड्स लगाए थे बट हमारे जर्मिनेट नहीं हुए। तो जो सीड्स की क्वालिटी होती है वो काफ़ी डिफेंड करती है कि अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी के सीड्स हैं तो ही वो जर्मिनेट होते हैं, और अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी के सीड्स नहीं तो उनका जो जर्मिनेशन रेट है वो काफ़ी कम होता है। और जब भी आप अपने सीड्स लें उनके पैकेट के पीछे देख लें कि उसकी एक्सपायरी डेट कब है या किसी सेलर ने आपको पुराने सीड्स तो नहीं दे दिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हैं समर के सीड्स जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि कौन कौन से मैंने सीड्स लिए हैं, तो आज इन्हीं को हम लगाने वाले। तो फ्रेंड्स, सीड्स लगाने के लिए आपको जिन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए अच्छा मीडिया। मीडिया में मैं आपका कोकोपीट यूज़ करता हूँ, क्योंकि कोकोपीट आपका एक बहुत ही लाइट वेट होता है और इसमें जो सीड्स है काफ़ी इजीली जर्मिनेट हो जाते हैं। मैं जितने भी सीड्स लगाता हूँ मैं कोकोपीट में ही लगाता हूँ। और ये है मेरे पास अच्छी क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट। ये आप देखिए, बिल्कुल इसका कलर ब्लैक है और ये अच्छी क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट है। और फिर आपके पास ऐसा कोई भी पोर्ट या टोकरी टाइप ऐसे होना चाहिए और जिसमें कि आपके ये ड्रेनेजल हो, ताकि आपका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो आपका नीचे से ड्रेन आउट हो जाए। और फिर हमें चाहिए होता है ये आपका ट्राइकोडर्मा पाउडर। ट्राइकोडर्मा पाउडर से क्या होता है, आपका जो सीड्स में फंगस है उससे ट्राइकोडर्मा पाउडर आपका लगने से बचाता है। तो फ्रेंड्स, इसकी आपको क्वांटिटी कितनी लेनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं 80% कोकोपीट लूँगा और इसमें मैं 20% ये आपका वे वर्मी कंपोस्ट मिलाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने अपने पोर्ट्स हैं जो मिक्सर से भर दिया है। और अब आपको क्या काम करना है, आपको ये जो वाटर है इसको आपको ऐसे इसके ऊपर डाल देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो मीडिया है वो एकदम आपका अच्छे से बैठ जाएगा, और ताकि जब आप इसमें सीड्स लगाएं तो इसमें सीड्स आपके इधर उधर ना। देखिए, जो हमारा मीडिया है बिल्कुल एकदम सेट हो गया है। और अब आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही, ये देखिए मैं लगा रहा हूँ, ये आपको दिखाता हूँ, ये सनफ्लावर अर्थ फोकर। और आपको बस ये ऐसे सीड्स लेने हैं और थोड़ा सा इसमें आपको ट्राइकोडर्मा पाउडर ऐसे आप इसमें स्प्रिंकल कीजिए। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से ये हमारे सीड्स इसमें ट्राइकोडर्मा पाउडर मिल गए। और बस आपको ऐसे एक एक करके एक एक सीड्स को आपको ऐसे डाल देना है, ऐसे ऐसे करके आपको थोड़ा, क्योंकि ये मेरे सीड्स कम हैं तो मैं इसको इसमें दूरी बना के इसको अच्छे से डाल दूँगा, ताकि जब इसमें जर्मिनेट हो तो ये एक दूसरे से चिपके नहीं। और ऐसे आपको इसमें जितने भी आपके सीड्स हैं इसको आपको ऐसे लगा देना है, ऐसी। फ्रेंड्स, आपको सभी जितने भी आपके फ्लावर के सीड्स हैं समर के आपको ऐसे ही लगाने हैं। और ट्राइकोडर्मा का यही फ़ायदा होता है कि आपके जो सीड्स हैं इसमें फंगस लगाने से बचाता है। और आपको 100% तो आप 100% तो नहीं, हमें फिर भी आपका 90-95% हमें जो जर्मिनेशन रेट आपका मिल जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, क्या होता है कि कई जो सीड्स होते हैं वो आपके इसी तरह से मरते हैं कि आप अच्छे से इसको नहीं लगाते और उनमें फंगस पकड़ लेता है और आपके जो सीड्स हैं वो ख़राब होने लगते हैं। और ये देखिए, ये मैं लगाता हूँ दूसरा जीनिया पेपरमिंट, और इसका फ्लावर भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर होता है। और इसको फिर हमने ऐसे किया और इसको भी हमने सीड्स ऐसे निकाले, और ये मैं जीनिया के सीड्स लगा रहा हूँ। इसको भी आपको ऐसे ही, बहुत ही बारीक के सीड्स होते हैं, बस आपको ऐसे ही ऊपर रख देने हैं और ऐसे करके आपको एक एक ये सीड्स रख देने हैं।
और फ्रेंड्स मैं आपके लिए इनकी अपडेटेड वीडियो भी लेके आऊँगा कि जब इनमें सीड से जर्मिनेट होंगे, और तो मैं आपके लिए इसकी अपडेटेड वीडियो भी लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप अपने सभी सीड्स लगा सकते हैं। और ये देखिए जो ये इसकी चिट है, आप अपने सभी जो आपके पोर्ट हैं उस पर आप लगा दीजिए, ताकि आपको पता रहे कि कौन सा फ्लावर का आपने सीड्स लगाया है। ये देखिए ये मेरे पास है और मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया, ये मेरा आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ईजिली कि ये मैंने कौन से फ्लावर के सीड्स। तो फ्रेंड्स हमारे सीड्स लग के रेडी हैं, और बस अब आपको ये कोकोपीट का मिक्सचर है, इसको आपको हल्के हाथों से इसके अपने जो सीड्स लगाए हैं इनके ऊपर ऐसे आपको लगा देना है। इससे बस ये होता है कि आपके जो सीड्स एकदम एक जगह सेट हो जाए, और बस फिर आपको हल्के हाथों से इसमें ऐसे वाटरिंग कर देनी है। ये देखिए, और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ये 4 से 5 दिन के लिए इसको सेमी शेड एरिया में रखना है, और फिर आप उसको धीरे धीरे जब इसमें आपको दिखे कि इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है, तब आप इसको सुबह सुबह की धूप आपको सिर्फ दिखाइए, और फिर जब इसमें अच्छे से जर्मिनेट हो जाए तो फिर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक टाटा बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।